भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों एक से बढ़कर एक फिल्में बन रही हैं और सिनेमा घरों में जमकर धमाल मचा रही हैं। ऐसे में हाल ही में एक और फिल्म का ऐलान किया गया है जिसका नाम है सांवरिया मोहे रंग दे। आपको बता दें कि इस फिल्म में रानी चटर्जी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली है। ऐसे में इस फिल्म के बारे में क्या कुछ कहा फिल्म के निर्देशक ने, जो फिल्म है मुंबई में रिलीज होने जा रही 9 तारीख को, किस तरह की तैयारी की आपने? सर पहले तो मेरा सबको नमस्कार, मेरा नाम डायरेक्टर दिलीप गुलाटी और सर पूरी तैयारियां कर रहे हैं हम, जैसे अभी आपके साथ जो कह रहे हैं ये भी एक हमारी तैयारी का हिस्सा है और 24 तारीख को एक हम अच्छा इवेंट भी कर रहे हैं जहाँ पे मीडिया को पूरा बुला के पिक्चर को हाइप करना चाहते हैं और पब्लिक में भी हम जहाँ जहाँ पब्लिक को भी हम इन्फॉर्म कर सकते हैं जो उसकी मीडिया से जो के ज़रिए वो पूरा हम कर रहे हैं, टेलीविज़न से कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया से कर रहे हैं। सर किस तरह की फिल्म है सांवरिया मोहे रंग दे? ये फिल्म बहुत ही एक ऐसा लग रहा है लैला मजनू की फिल्म की कहानी है, क्या है कहानी थोड़ा बताइए। देखिए सांवरिया मोहे रंग दे एक लव स्टोरी तो है इसमें, लेकिन एक डिफरेंट लव स्टोरी है और इसमें हमने काफ़ी एक एक्शन है, थ्रिल है, एक सस्पेंस भी है फिल्म में, एक डिफरेंट टाइप की जो यूजुअली आप हर हफ्ते जो भोजपुरी सिनेमा देख रहे हैं उससे हट के फिल्म है। सर भोजपुरी की रानी चटर्जी सबसे बड़ी एक्ट्रेस है, जो आइटम सॉन्ग भी करते एक्ट्रेस बहुत बड़ी है, क्या मकसद था रानी चटर्जी को लेना? देखिए ये कहानी जब हमने सिलेक्ट की थी तो हमें ये लगा कि ये कहानी एक अच्छी एक्ट्रेस अच्छी हीरोइन के सिवा नहीं बन सकती, इसलिए हमने इस एक्ट्रेस को चुना और वो बहुत अच्छी कलाकार हैं, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस और मैंने ये मेरी सेकंड फिल्म थी उनके साथ, बहुत समझ है उनको सिनेमा की तो मैंने उनको शॉर्टलिस्ट किया और फाइनल किया। सर जैसे कि उनके अपोजिट में कोई बड़ा एक्टर नहीं है, निरावा नहीं है, पवन सिंह नहीं है, क्या इस तरह की खबर आती है कि भोजपुरी में कि जो पवन सिंह है, निरावा है या केसारी है वो बहुत ही अपने काम में लेजीपन दिखाते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को तंग करते हैं, क्या इस तरह के कभी आपको कोई प्रॉब्लम आई? नहीं अब तक मुझे, मैंने जब फिल्म की रवि किशन जी के साथ की, रानी जी के साथ की और भी भोजपुरी एक्टर्स के साथ की तो मुझे अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा। ओके लेकिन कभी आपके दोस्तों से कभी फेस करना पड़ा प्रॉब्लम, दोस्तों लोगों को जो आपके प्रोड्यूसर है डायरेक्टर उन्होंने कभी आपको कहा? नहीं वैसा कहते रहते हैं, बातें सुनते रहते हैं। देखिए मुझे ये लगता है कि अगर एक डायरेक्टर अपना पूरा प्रिपेयर्ड है, अगर उसका होमवर्क अच्छा किया हुआ है और वो खुद अगर बहुत अपने काम से ऑनेस्ट है तो मुझे नहीं लगता कि आपका उसका यूनिट उसको सपोर्ट नहीं करेगा। कहा जाता है कि भोजपुरी में वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी फिल्म क्या अश्लीलता फैला रही है? देखिए मेरी फिल्म ये यूए फिल्म है और इससे पहले भी जो मैंने जोड़ी नंबर 1 बनाई थी वो भी यूए थी। मैं एकदम नीट एंड क्लीन सिनेमा बनाता हूँ, एंटरटेनिंग फिल्म बनाता हूँ, फैमिली की फिल्म बनाता हूँ। कभी बायोपिक नहीं आती भोजपुरी में, ना कोई इस तरह की थ्रिलर फिल्म, क्या कारण है सिर्फ एक ही तरह की कहानी होती है, क्यों भोजपुरी से क्यों लोग? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और डेफिनेटली मैं कोई ना कोई अगर अच्छा मेरे पास सब्जेक्ट आएगा तो मैं कोई ना कोई बायोपिक ज़रूर बनाऊँगा और भोजपुरी सिनेमा को एक नई पहचान देने की कोशिश करूँगा। सर बिहार के सबसे बड़े कद्दावर नेता एक जाने जाते हैं लालू प्रसाद, क्या आपको लगता है उनके ऊपर बायोपिक बननी चाहिए भोजपुरी में? अगर वो परमिशन दें तो उनका भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है अपनी लाइफ में, एक मुकाम उन्होंने हासिल किया तो एक इंटरेस्टिंग कहानी है और अगर वो परमिशन दें तो मुझे लगता है कि बनानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन होगा अगर एक्टर, अगर अगर आपकी फिल्म होगी तो कौन होगा लालू जी के आपके अनुसार? देखिए अभी ये इस टाइम पे तय करना बड़ा मुश्किल काम है, जब पूरा सब्जेक्ट बन के आएगा तभी हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन एक्टर होना चाहिए। सर हाल ही में सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी बाहुबली 2 कंक्लूजन, उस पर आपका क्या कहना चाहिए? 1500 करोड़ टच हुआ है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर व्हाट यू थिंक अबाउट दिस बिग कलेक्शन, रीजनल सिनेमा ग्रोइंग वेरी हाई टर्नआउट? डेफिनेटली बहुत अच्छा था, एक्सपेरिमेंट था, द फिल्म डिड नॉट हैव अ बिग स्टार लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि अगर आप अच्छा सिनेमा बनाते हैं तो ना आपको कोई फेस्टिवल की ज़रूरत है ना आपको बड़े स्टार की ज़रूरत है, यू हैव टू मेक गुड सिनेमा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपने कहा कि फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं, तो कई स्टार फेस्टिवलों में अपनी फिल्म रिलीज करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं अभी उनको शायद ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर वो अच्छी फिल्म बनाएंगे तो उनको फेस्टिवल की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है।
आखिर में क्या कहना चाहिए अपने दर्शकों को? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि मैं उनको अच्छा मनोरंजन दूँ और वो भी अच्छा सिनेमा देखें, ताकि उनके बच्चों में भी वो बातें पैदा हो। अगर वो अच्छी चीज़ें देखेंगे तो उनके बच्चे भी अच्छी चीज़ें देखेंगे, और इट इज़ गुड फॉर द भोजपुरी टोटल समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए अभिलाष की रिपोर्ट।